दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जो बीसी सखी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो बीसी सखी बहनें 58,000 बीसी सखी बहनों की नियुक्ति की गई थी उसमें से ज़्यादातर बीसी सखी बहनों का मानदेय अटका हुआ है, यानी कि जो भी बीसी सखी बहनें काम कर रही हैं उन लोगों का मानदेय उनके खाते में आ रहा है, जो भी बीसी सखी बहनें काम नहीं कर रही हैं उनका मानदेय तो अटका ही हुआ है। जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है उन लोगों के मानदेय में भी कहीं कहीं समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको एक अनुस्मारक दिखाता हूं, एक नोटिस दिखाता हूं जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन निदेशक के द्वारा भेजी गई है, जो 4 जून 2024 को जारी की गई है। सेवा में मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत बीसी सखी को मानदेय EFMS पोर्टल द्वारा भुगतान किए जाने के संबंध में जानकारी साझा किया गया है। जिस क्रम में मुख्यालय द्वारा बीसी सखी पोर्टल upsrlm.org पर उपलब्ध डेटा के अनुसार माह फरवरी 2023 का उक्तानुसार मानदेय हेतु जनपदवार पात्र बीसी सखी की सूची जिन्हें EFMS के माध्यम से भुगतान किया जाना है संलग्न करके इस आशय से प्रेषित किया गया था कि जनपद अपनी मेकर आईडी का उपयोग करके सूची में साझा किए गए बीसी सखी के बैंक विवरणों को सत्यापित करे और नया वेंडर कोड जनरेट करते हुए मिशन मुख्यालय के साथ अविलंब साझा करे, जिससे पात्र बीसी सखियों के मानदेय यथाशीघ्र भुगतान कराया जा सके। परंतु मानदेय भुगतान हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जनपद स्तर की इस प्रक्रिया में वर्तमान समय तक 6 महीने के मानदेय हेतु पात्र बीसी सखी में से एक भी बीसी सखी का बैंक विवरण को सत्यापित नहीं किया गया है एवं ना ही वेंडर कोड जनरेट करके मिशन मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से अत्यंत खेद का विषय है, जिन्हें परिणाम स्वरूप मिशन मुख्यालय द्वारा बीसी सखी को मानदेय नहीं दिया जा पा रहा, अतः कृपया व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपसे अनुरोध है कि कृपया प्राथमिकता देते हुए मिशन मुख्यालय द्वारा प्रेषित सूची में अंकित बीसी सखी के बैंक विवरण को सत्यापित तथा वेंडर कोड जनरेट कराते हुए मिशन मुख्यालय को दिनांक 8 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। दोस्तों अब मैं बताऊं, अगर आप एक बीसी सखी हैं तो यकीनन आप मानदेय के लिए तरस रही होंगी, लेकिन अब सरकार ने EFMS इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आपके बैंक खाते को एक कोड जनरेट करके जोड़ दिया जाएगा। उस कोड जनरेट करते ही आपके खाते में खटाक पैसा जाना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो इन सभी चीज़ों के लिए सरकार एक नई पहल शुरू कर चुकी है। अब जितने भी संविदा कर्मी हैं उन लोगों के खाते में उनके मानदेय, उनका जो भी मेहनताना होगा वो जल्द से जल्द उनके खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगा। निवेदन करता हूं ये सभी बीसी सखी बहनों के लिए एक अत्यंत खुशी का लहर है, खुशी का विषय है। आप लोगों के खाते में जल्द से जल्द EFMS के माध्यम से पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। निवेदन करता हूं अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको देखने को और सीखने को मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।